2016 में मैं अपने हिंदुस्तान गया था एक कॉन्फ्रेंस में, और एक एग्जीबिशन भी थी तो दिल्ली में, वहाँ पे सादत अली साहब का एक म्यूरल देखा जिसमें अस्माए हसना लिखे हुए थे, बहुत ही कमाल का उन्होंने वो किया। तो उससे मुझे ख्याल आया बींग अ स्कल्प्टर कि क्यों ना इन अपने नामों को कास्ट किया जाए। ये मैंने आइडिया शेयर किया, हमारे एक दोस्त थे बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट बिजनेसमैन राशिद अब्दुल्ला साहब, तो राशिद साहब से जब किया तो उन्होंने कहा भाई आप कर सकते हैं, मैंने कहा जी। तो इस तरह से वो पहले मैंने अस्माए हसना किए जो उन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने तमाम वो एक्वायर किए, उन्हीं के कलेक्शन में है वो। वहाँ से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना पूरा कुरान करीम किया जाए। जब इस पर रिसर्च की तो अंदाज़ा हुआ कि भाई 1400 साल में चंद कुरान पाक भी ऐसे नहीं है, और अब तक जो तारीख है इस्लामिक हिस्ट्री में वो ये है कि कुरान पाक लिखे गए हैं खाल पे या कागज़ के ऊपर, किसी ने उन्हें पूरे कुरान करीम को कास्ट नहीं किया। तो इस तरह से फिर हमने ख्याल आया और हमने इस पर काम शुरू कर दिया। जब शुरू किया तो उसके चंद सफ़ात बनने में बहुत वक्त लगा, तो फिर मैंने अपनी पूरी टीम को, अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको ट्रेन किया, और इस तरह से अब इसके ऊपर कोई 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, अपने मिनीचर आर्टिस्ट, कैलीग्राफर्स और ये सब लोग इस पर काम कर रहे हैं। किसी भी पीस ऑफ आर्ट की अपने कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है और दूसरी उसकी लाइफ क्या है। तो जब हम इस्लामिक उसकी बात करते हैं तो उसमें ये बहुत अहम है कि इट्स अ पार्ट ऑफ आर कल्चर। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो इसको एल्युमिनियम में कास्ट किया गया है और देन गोल्ड प्लेटेड किया गया है, जिसकी लाइफ कई हज़ार साल है। और ये कैनवस पे जो डिज़ाइन पेंट किया गया है वो कैनवस पे किया गया है, किसी खाल या कागज़ पे नहीं है, जिसकी लाइफ भी अपने कई हज़ार साल होगी। और उस पे जो डिज़ाइन पे हमने काफ़ी रिसर्च की, पर्शियन, टर्किश, अरबिक डिज़ाइन इन मोटिव्स को स्टडी करके हमने एक अपना डिज़ाइन डेवलप किया, क्रिएट किया, और उस पे बहुत देखेंगे आप तो बहुत डिटेल में काम हुआ हुआ है। तो वो करने के बाद फिर उसे पेंट किया गया है। फिर इसमें रंगों का जो इंतखाब है वो भी बहुत मुख्तलिफ रहा कि मैं एक रोज़ बालकनी में बैठा हुआ था अपनी, तो मैंने देखा कि समंदर के सामने मेरा घर है, तो मैंने कहा इसके जो रंग वो होने चाहिए जो समंदर के रंग हैं या जो आसमान के रंग हैं। तो इस तरह से रंगों का इंतखाब भी बहुत मुनफरिद और यकता रहा। जो साइज़ है इसका वो है 8.5 फीट और 6.5 फीट चौड़ाई है इसकी। अब तक दुनिया में जो चंद बड़े कुरान करीम बने हैं उनमें आखिरी जो बना था वो अफगानिस्तान में बना था, जिसका साइज़ 6 समथिंग था और 4 समथिंग। तो उस साइज़ के हिसाब से, अपने ट्रीटमेंट के हिसाब से और अपनी तमाम यूनिकनेस के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत ही दुनिया का न सिर्फ बड़ा बल्कि एक बहुत मुख्तलिफ़ किस्म का कुरान करीम है। अब इसकी बाकायदा तौर पे अगले माह इसकी ऑफिशियल ओपनिंग है दुबई एक्सपो में ही, और ये फिर अपने वहाँ पे अपने वो रहेगा। तमाम लोकली नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बहुत अपने हाईलाइट किया। ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है बल्कि ये पूरी इस्लामी दुनिया नहीं बल्कि पूरी वर्ल्ड ऑफ आर्ट में ये एक ऐसा काम है कि पाकिस्तान का और नाम जो है वो हज़ारों साल तक जिंदा है। ये वन मैन शो नहीं है, इसमें 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, और ये एक ऐसा काम है जो 1400 साल से ज़ायद की तारीख में नहीं हुआ है, पहली मर्तबा हो रहा है। अगर इंसानी तहजीब का आप अपने मुताला करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंसान ने बोलना बाद में सीखा है, पहले ड्रॉ करना सीखा है। तो इंसानी तहजीब का बुनियादी हिस्सा जो है, जो कुदरत ने आपके खमीर में, आपके डीएनए में रखा है, वो टू ड्रॉ करना लिखा है, और उसी के ज़रिए इजहार किया। इंसान ने पहला इजहार भी किया। किसी भी माशरे के लिए फ़नून जो है, चाहे मौसीकी हो, मुसव्वरी हो, शायरी हो, अदब हो, उसके बगैर माशरा माशरा नहीं होता, वो रेवड़ होता है।